बीजेपी से पहले जब कांग्रेस थी तब था, मतलब रोजगार वगैरह कोई भेदभाव नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल, कती कच्चे कट रहे थे। अच्छा, देश के लिए देश है तो हम हैं, देश ही नहीं रहेगा तो नहीं नहीं मैं महंगाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप पार्टी को देख के वोट करते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं? कोई कैंडिडेट नहीं मैडम, जोर की बात ये है कोई टक्कर दे सकता है तो अरविंद शर्मा ही दे सकता है। अच्छा, अरविंद शर्मा भारी पड़ेंगे दीपेंद्र हुड्डा पे? देखो उनका जो है कंपटीशन सा लग रहा है। काम किसके अच्छे लगे आपको? काम तो भाई आप उसके अच्छे थे, केजरीवाल के। केजरीवाल के सेम टू बीजेपी के अच्छे लगे? क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे, डेवलपमेंट सब कर रहे हैं। रोहतक के अंदर की बताइए? रोहतक में तो काम अभी उन्होंने करने हैं, बहुत करने वाले हैं। अग्निवीर चार साल में बताओ क्या कर लेंगे? चार साल में तो वही बात है, खड़े खोदन में निकल जा है तो फिर रिटायरमेंट देंगे। बताओ हमने 4 साल में क्या कर लिया? तो 15 साल की करनी चाहिए ना, जो पहले थी उसी करनी चाहिए ना। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से सही नहीं है? सही नहीं है। वो बोले कि अग्निवीर 4 साल की सही करती है? नहीं, सही नहीं है, बहुत ही गलत किया है। ठीक है, अब वापिस ही जैसे पहले था ऐसे ही करना चाहिए। मतलब जैसे पहले था? हाँ वैसे ही करना चाहिए। हमने तो हटा दे 4 साल। ठीक है, हाँ बाढ़ क्या करेंगे बताओ? अच्छा, अगर हाँ। बात करें 10 साल से बीजेपी का राज रहे, उससे पहले कांग्रेस थी, दोनों हाँ? के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो किसका काम बेहतर बताएंगे आप? दीपेंद्र का बताएं। हाँ जी, तो फिर पिछली बार कैसे रह गए थे दीपेंद्र? ये तो पता नहीं पिछली बार कैसे रह गए थे। अच्छा है, वोटिंग में कमीन मशीन में गड़बड़ करे है इसलिए मोदी बन रहा है। अच्छा, तो आपकी बार अच्छा वोटिंग मशीन में गड़बड़ी थी इसलिए मोदी बने हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, तो पता नहीं लोग क्या करते हैं मुंह पे, तो मतलब दीपेंद्र अच्छा। और नीचे से फिर मोदी को दे देते हैं अच्छा। तो इसलिए आ रहे हैं। मतलब अगर सब हाँ सब एकता दिखाएं, जो पेट में हो जुबान पे हो अच्छा। तो दीपेंद्र ही बने अच्छा। तो लोगों का क्या पता कब कहाँ पलट जाएं। तो हमारी तो यही है, अभी दीपेंद्र बनना चाहिए और वही बनना चाहिए। बदलाव लगता हम तो जब तक जिएंगे ना तो दीपेंद्र की ही देंगे। दीपेंद्र आते तो क्या बदलाव लाएंगे? अगर हम बोले कि हमने आपसे बात की है दीपेंद्र के आगे, तो क्या बोलेंगे उनको कि किन मुद्दों पे मतलब काम होना चाहिए? सभी मुद्दों पे होना चाहिए। आपके हिसाब से कोई एक मुद्दा जो जिस पर ज्यादा जोर देना चाहिए? ज्यादा जोर रोजगार, आपस में फूट ना डाल रहे। कौन किस पे फूट डाल रहा है? जात, उसमें जात में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो अभी हो रहा है ये सब जात में भेदभाव वगैरह? जाटों के साथ तो हो ही रहा है, जाट अलग ही निकाल रखे ना, नौकरी ना नौकरी ना काम, बेरोजगार बैठे हैं जाट तो आलगड़ी। किसने किया भेदभाव? ये तो देखो जिसकी सरकार है उसी ने कर रखा है भेदभाव। अच्छा। हाँ उसी ने कर रखा है और हमने तो कर नहीं रखा। तो दीपेंद्र आएंगे तो आपको लगता है भेदभाव हट जाएगा? हट जाएगा। अच्छा। बिल्कुल वही तो बात है, नौकरी तो मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेंगी। अच्छा, बीजेपी से पहले जब कांग्रेस थी तब था, मतलब रोजगार वगैरह कोई भेदभाव नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल, कती कच्चे कट रहे थे। अच्छा बिल्कुल हाँ, तो जब से बीजेपी आई है तब से नहीं कच्चे नहीं कट रहे बिल्कुल ही नहीं कट रहे कच्चे। वही बात है, अब तो टाइम काटना है, दिन काटने हैं, ऐसे चल रहा है। तो कैसे दिन काट रहे हैं आप? अब वही बात है, दिन ही काट रहे हैं, दिन ही काट, हाँ दिन ही काट रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठ के चले जाएंगे, अब वो खरीदना, अब सब्जी लेनी है, अब आटा लेना है, अब गेहूं लेना, कितनी महंगाई इधर है, कितनी महंगाई उधर है। मोदी राज में महंगाई हो गई है ज्यादा उसमें है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही महंगाई। तो अब कांग्रेस आएगी तो महंगाई घटेगी? मतलब कम से कम ठीक तो रहेगा। अच्छा ठीक तो है। अच्छा ठीक रहे, हाँ जी तो लेंगे। अभी जी नहीं रहे? नहीं जी नहीं रहे बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं ज्यादा महंगाई टेंशन रहती है दिमाग में, जी नहीं रहे। किस बात की टेंशन? इस महंगाई ने देख कर टेंशन ही रहती है। और बालका नौकरी नहीं, 80% 90% नंबर डिग्री ले बैठे, नौकरी नहीं है, कहीं भी जाए वो नौकरी नहीं है। अच्छा नौकरी हाँ, नहीं दी मोदी सरकार, बोलती है कि उन्होंने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है। देखो मैं हूँ, मैंने रोजगार नहीं, मेरे हस्बैंड रोजगार नहीं, मेरे बालक पढ़ लिए अभी तक, उनने भी रोजगार। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं तो लाले अनपढ़ी हूँ। अच्छा हाँ अनपढ़ी हूँ मैं। ऐसा क्यों? बस पहले ऐसा ही था,
अच्छा तो आप ना मेरा, मैं भी आर्मी में रह रही हूँ गले। इनके साथ ही थी क्या आप? रोहतक में तो है, तो रोहतक के 10 साल पहले किसका काम किया? कांग्रेस वाला काम। मोदी का अच्छा नहीं लगा काम? ना मोदी ना तो बहुत परेशान कर रखे हैं कति। बिल्कुल कैसे परेशान कर दिए मोदी? वो सब क्या है कि मैं गया यार के मो रात भर में के मो वो कर दे, ऐलान कर दे क्या किसी भी चीज का। किसका ऐलान कर दे मोदी ने? अरे पाछा ही था नोटबंदी कर रखा था, फिर नोटबंदी से परेशान। और आप तो नहीं किए नोटबंदी? आपके रखे निकलवा दी लागे सारे कटवा दिए लुगाइया के। कितना दबा के रखा ना कटी लुगाई थे? इतनी ज्यादा नहीं पता, हम तो आर्मी में रह जाते। क्या एक्सरसाइज कर रहे थे आप यहाँ पे? घूम के आए हम। घूम के आए? घूम रहे। अच्छा क्या सुन रहे थे हम? जो सुन रहे थे क्या लग रहा है फिर? लग रहा है कि देश है तो हम है, देश ही नहीं होगा तो हम कहाँ से। किसका जोर ज्यादा लग रहा है? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को बिल्कुल देंगे। मोदी जी चुनाव तो नहीं लड़ रहे अब तो यहाँ? कोई भी लड़ रहा हो, कोई वो कोई। अच्छा किस आधार पे वोट करते हैं? क्या देखते हैं? देश के लिए, देश है तो हम है, देश ही नहीं रहेगा तो। नहीं नहीं मैं महंगाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप पार्टी को देख के वोट करते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं? कोई कैंडिडेट नहीं, देश के लिए। मोदी को लड़ाना चाहिए ना अकेले को? ना 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 इतने एमपी उतार दिए, वो तो सारे का लड़ेंगे उसने क्या, सभी पार्टियों ने उतारा। अच्छा अभी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम है सामने, आने तो कोई बात नहीं। अच्छा। क्या होगा? नहीं रोहतक के 10 साल पुरानी बताएंगे तो किसके काम? दोनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें दोनों कुछ भी नहीं है। हुड्डा क्या कर रहा? हुड्डा ने भी पीछे जो एस्टेट कर रहे थे उनको भी नहीं लगाया, वैसे मेरिट के वैसे लगा दिया, जिसका एक्सपीरियंस था उनको लगा के। क्या माहौल चल रहा है अभी रोहतक शहर में चुनाव को लेके? किसको झटका लगने वाला है? कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है अभी, दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया सामने कांग्रेस से, बीजेपी से अरविंद शर्मा है। क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखो कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी निकल सकता, कोई भी निकल सकता है, बराबर की टक्कर है। क्या लग रहा है इस बार कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? भारी का तो पता नहीं, पर इमेज के हिसाब से देखा दीपेंद्र हुड्डा की अच्छी है। अच्छा अरविंद शर्मा की इमेज अच्छी नहीं है रोहतक में? अच्छी होती, वो आता कुछ करता किसी इंसान के। अच्छा तो आए नहीं वो यहाँ? कभी दिखे ही नहीं किसी को, उससे पहले भी नाम नहीं पता था, आज भी किसी से पूछ लो। अच्छा, अरविंद शर्मा को कोई जानता नहीं है यहाँ? आज भी आधे नहीं जानते मिलेंगे, एमपी को नहीं आगा। अच्छा लेकिन 5 साल से सांसद रहे वो, सांसद रहे तब भी नहीं पता लोगों को, जब दोबारा से उनका ही नाम आया है सामने वो देख लो। अच्छा फिर पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा कैसे रह गए? वो ये बीजेपी वाले बताए कैसे रह गए सबको पता। फिर अब की बार क्या लग रहा है? अगली बार दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा है। आज बताओ क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अरविंद शर्मा। अच्छा किसका जोर ज्यादा लग रहा है इस बारी? मैडम जोर की बात ये है कोई टक्कर दे सकता है तो अरविंद शर्मा ही दे सकता है। अच्छा अरविंद शर्मा भारी पड़ेंगे दीपेंद्र हुड्डा पे? देखो उनका जो है कंपटीशन सा लग रहा है। अच्छा कैसे? ये ऐसे कंपटीशन लग रहा है कि ये जो किसान है, किसान क्या जाट ही समझ लो, वही विरोध करा रहे हैं, बाकी कोई विरोध नहीं है भाई। जो विनिंग जो वोटर हैं वो जो है एससी बीसी और ये जो है जो नई साइलेंट वोटर हैं। अच्छा, वही कौन है साइलेंट वोटर? वही वोट साइलेंट वोटर जैसे गरीब तबका है, एससी है, बीसी है। अच्छा साइलेंट वोटर है? हाँ साइलेंट वोटर है वो ना तो ये खुल के विरोध करते। अच्छा। सिर्फ गांव में नहीं घुसने देते। किसको नहीं घुसने देते? ये अरविंद बीजेपी वालों को नहीं घुसने देते। क्यों? ये उनका माइनस पॉइंट है। क्यों क्यों नहीं घुसने देते? वो इसलिए नहीं घुसने देते कि उनकी अपनी पॉलिसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसानों से एमएसपी मांग रहे थे, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से देना था। और यहाँ तो हरियाणा में तो मिल ही रहा है एमएसपी लगभग सारी चीजों पर। ये सिर्फ मात्र जो है ना सिर्फ है बीजेपी के ये खट्टर के विरोध है। और ये जो नॉन जाट की जो गवर्नमेंट आई है ये जो है ये इनको पच नहीं रहा। किसको नहीं पच रहा? इनको इस जाट वोटर और इनको किसानों को पच नहीं रहा। मिल रही है हरियाणा विरोध तो जारी, अब भी आंदोलन चला हुआ है एमएसपी का तो है। हाँ किसको एमएसपी मिला? किसान तो वैसे ही परेशान है मैडम, जितने भी ये दाल दूल है इन पर है, इन पर एमएसपी रेट सरसों है इस पर मिलने लग रहा औरों से ज्यादा, और गवर्नमेंटों से कई स्टेटों में तो मिलता ही नहीं हमारे स्टेट। अच्छा, कितने प्रतिशत दे दिया एमएसपी किसानों को? क्या
एमएसपी तो अब हर साल बढ़ाते हैं, जैसे गेहूँ का बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है अभी? 50-60 रुपए बढ़ता, ज्यादा बढ़ेगा तो गरीब मर जाएंगे, वो बेचारे क्या खाएंगे। ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? एमएसपी की मांग तो कर ही रहे हैं, फिर आंदोलन क्यों है इनका? देखो इनकी ये पुरानी मांग है, ये अभी क्यों उठी? ये हुड्डा की भी तो सरकार आई थी, उनकी भी तो सरकार आई थी, कांग्रेस की भी तो सरकार आई थी। उन्होंने क्यों उस टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका वो भाई था हुड्डा, इसलिए उनके विरोध नहीं कर रहे थे वो। किन के भाई कौन से? भाई ये जो किसान है वो जाट हैं, ये हुड्डा तो उनका भाई है। ये सारे इकट्ठे होकर वहीं सारे वही वोटर वही शोर कर रहे हैं सारे, जाट बोलते हैं मतलब? हाँ किसानों को ही जाट बोलते हैं, मैक्सिमम वही है। और कोई विरोध नहीं करता ना? आरक्षण होया था तो वो रिपोर्ट हुई थी, तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं करी? जो जाँच करवाई थी वह रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी ना, किसने करवाया था, किस वजह से होया था, वह सार्वजनिक करवा दो। आरक्षण तो है ही, आरक्षण होया था, किस वजह से होया था, किसने नहीं? आरक्षण है या नहीं है? जो होया था जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट हुई थी वह जाँच हुई थी उसने सार्वजनिक करवा दो, पता चल जाए किसने करवाया था, हुड्डा ने करवाया था, किसने करवाया था, जेल में डाल दो। जेल में तो डाल ही रखे हैं वो, अभी मन्नू का घर फूंक दिया आरक्षण में तो। अच्छा। अभी मन्नू का वो जांच चल रही, वो भाग भगोड़े अब तक हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र शर्मा ने जो कीड़ी नहीं मरी, इनको नू कर दो, इनको नू कर दो। किसने फूंक दिया? फूकने वाले कौन हो सकते हैं? फिर वो जांच करवाई थी सरकार ने, किसकी सरकार? सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ऐसे सही बात कर रहे हैं, मेरी सुन रहा है इनको? सरकार ने जांच करवाई, सरकार की जिम्मेवारी है, तो उसने सार्वजनिक क्यों नहीं करते रिपोर्ट ने? सिर्फ जाट डोमिनेटेड स्टेट है वही कर सकते हैं जबरदस्ती, और कोई भी नहीं कर सकता। आरक्षण में उन्हीं ने किया है और किसी ने नहीं किया, और क्या पता उसका नाम लेके कोई और कर गया हो। नहीं कर, क्यों? अंग्रेज की तरह फूट डालो, राज करो। क्या माहौल रहेगा रोहतक का बताइए? चुनाव को लेके बता दो, चुनाव को जो सबने साथ में लेके चलेगा, जो फूट ना डालेगा, कौन साथ में लेके चलेगा? विकास का, जो विकास पे जो चुनाव लड़ेगा उसको साथ वोट, कौन साथ में लेके चलेगा? जो ये जात पात नहीं करता उसको वोट कौन नहीं करेगा? कांग्रेस। ये सामने बच्चे जो है योगा कर रहे हैं, और शायद जो येलो टी शर्ट में है उनके कोच है, उन्हें बता रहे हैं किस तरीके से योगा करना चाहिए, योग करना चाहिए, स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। बाकी हमें यहाँ पे तीन साथी मिले, तीन से हमने चुनाव को लेकर बातचीत की, तीनों ने अपनी अपनी राय रखी। आगे चलते हैं पार्क में, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि रोहतक में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। काम किसके अच्छे लगे आपको? काम तो भाई आप उसके अच्छे थे, केजरीवाल के काम जो बताते हैं, हमें नहीं पता, दूर से बताते हैं जो वहाँ पे जाती है। अच्छा, कौन किसने बताए हैं? जो वहाँ पे टीचर हैं वो बता रहे हैं, स्कूल बहुत अच्छे की। कहाँ से हैं वैसे? यहीं से, मतलब रोहतक से ही है। हाँ। अच्छा, यहाँ सांसद कौन सा अच्छा लगा? अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? रोहतक की बात करें, रोहतक की बात करते दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, ठीक। नमस्कार, ठीक है? हाँ जी ठीक है, आपने सुनाओ। काट लिया आपने चक्कर? अभी यहाँ मेरे ख्याल काट लिया, मैं एक्चुअली देख रहा था आप लोग कुछ या इंक्वायरी कर रहे थे सर्वे, तो मैं क्या बगैर देखिए। अच्छा, आप भी बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है रोहतक में चुनाव को लेके? पार्टिकुलर मेरी बात कर रहे हैं या जनरल की बात कर रहे हैं? ओवरऑल हरियाणा में बता दीजिए। हरियाणा में बीजेपी, और रोहतक की बात करते हैं बीजेपी, बीजेपी आएगी। अच्छा, अभी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, दीपेंद्र हुड्डा का नाम? बिल्कुल 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 कर दिया। काम किसके अच्छे लगे? मुझे तो बीजेपी के, बीजेपी के अच्छे लगे। सेम टू बीजेपी के अच्छे लगे। क्या काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे हैं, डेवलपमेंट सब कर रहे हैं। रोहतक के अंदर की बताइए? रोहतक में तो काम अभी उन्होंने करने हैं, बहुत करने वाले हैं। अब 10 साल से तो यहीं पे रहे हैं। तो, क्या काम हुए यहाँ? काम तो कौन से जो किसी ने किए हैं, जो कोई करेगा? अच्छा, किसी ने किए ही नहीं है? किसी ने किए ही नहीं है। अच्छा, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं इसलिए कि हम तो उम्मीद रखते हैं। अच्छा, उम्मीद रखते हैं, 10 साल से उम्मीद पूरी नहीं हुई? अरे उम्मीद तो देखो आदमी करता ही है, अभी कोई करता नहीं तो कोई तो करे। क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं आप इस बार? भाई डेवलपमेंट हो, मेन तो डेवलपमेंट है। भैया एजुकेशन में जो स्कूल हैं बड़े गाँव के, इग्नोर होते हैं, कहाँ होते हैं स्कूल? देखो गाँव स्कूल देखो, कोई भी नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती। इतने गाँव के स्कूल बैकवर्ड पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, बेंच नहीं है, बैठने जगह नहीं, बच्चों पानी पीने का नहीं है, कुछ तो नहीं है स्कूलों में। क्या है स्कूल में? आप देखो जाके सर्वे करो, वहाँ जाके काम होना चाहिए। अभी चुनाव है, चुनाव के बाद अगर सरकार बदलती है तो क्या लग रहा है आपको, इन सब सारे मुद्दों पे काम होगा? करना चाहिए इनको, करना चाहिए बिल्कुल। तो रोहतक में अभी किसका माहौल? हमें इतना नहीं पता ज्ञान भैया, मैं इतना सर्वे नहीं करते, ये जैसी हम ज्यादा फिरते नहीं है, बैठते नहीं है, हमें क्या पता कौन क्या सोच रहा है। अच्छा, आपस में तो बात करते होंगे? थोड़ी बहुत सुनते हैं, बीजेपी की तो है ही है। अच्छा, तो बीजेपी की हवा है। मैं कैसा किसी का कटर वो नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तुम ओवरऑल बात कर रहा हूँ अदरवाइज। ठीक है सर। ये थे चौधरी देवीलाल पार्क में हम, जहाँ पर हमने सभी से बात की, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थी, महिलाएं भी थी,
सब ने अपनी अपनी राय रखी है, कोई कह रहा है बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है कांग्रेस आएगी, बाकी तो चुनाव के बाद पता चलेगा। और मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रखा है, बीच बीच में बूंदें गिर रही थी, शायद बरसात हो सकती है। हवा तो हल्की हल्की चल रही है, बाकी देखते हैं रोहतक शहर में अभी सर्वे चल ही रहा है कि किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा रहेगी, कब तक रहेगी, चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए, चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलख हरियाणा। शुक्रिया।